अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि बच्चे के गर्दन के गिद्ध कॉर्ड अल्ट्रासाउंड पे अगर आ जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, तो इसके बारे में हम तफसील से इस वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ेशान है और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर बच्चे की गर्दन के गिर्द कॉर्ड हो तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि बच्चे की गर्दन के गिर्द कॉर्ड जो है वो यूजली 3D या 4D अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज हो सकती है, और सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉर्ड 100% नेक को कवर की हुई है या सिर्फ 30-40% है, फिर उसका सिंगल लूप है या डबल लूप है। पहली बात जो मैं आपको क्लियर ये कर दूं कि बच्चे की गर्दन के गिर्द कॉर्ड सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशन नहीं होती। ये नहीं है कि अगर गर्दन के गिर्द कॉर्ड होगी तो ऑपरेशन होगा। आमतौर पे ये होता है कि जब बच्चे की गर्दन को पूरी तरह ऑल उसके गिर्द होती है या एक या दो दफ़ा होती है तो बच्चे के सर को फ्लेक्स नहीं होने देती। जब बच्चे का सर फ्लेक्स नहीं होगा तो वो पेल्विस की हड्डी के अंदर एंगेज नहीं होगा, एक उसका फीचर ही है। दूसरी बात यह है कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि कॉर्ड इतनी ज़्यादा टाइट हो बच्चे की गर्दन के गिर्द वो के खुदा न खास्ता उसको सांस लेने में प्रॉब्लम करे दर्दों के दौरान। आमतौर पर जो कॉर्ड होती है वो लूज सी कॉर्ड होती है और उसके अंदर आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं और जैसे ही बच्चे के सर डिलीवर होता है तो आप उस कॉर्ड को हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद उस कॉर्ड को इंटेंगल डीइंटेंगल करते हैं और बेबी की डिलीवरी करा देते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है कि कॉर्ड गर्दन के गिर्द होने की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चे का सर फ्लेक्स नहीं होता तो बाज़ औक़ात पेंस के साथ सर के फ्लेक्स होने में टाइम लग सकता है। जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, जो कि पूरी डायलेटेशन के बाद जबकि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल गया है उसके बाद से लेके बच्चे की हेड की डिलीवरी तक का टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि थोड़ा सा इसमें बच्चे का हार्ट रेट जो है जैसे ही उस कॉर्ड की कंप्रेशन होती है वो कम होता है, और बहुत से केसेस में अगर हार्ट रेट ज़्यादा कम हो या टाइट कॉर्ड हो या एक या दो से ज़्यादा लूप्स हो तो बच्चे के हार्ट रेट कम होने की वजह से सेक्शन भी करना पड़ सकता है। लेकिन तमाम मरीज़ जिनके अल्ट्रासाउंड पे बच्चे के गिट कॉर्ड है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। अगर खुदा ना खास्ता किसी की प्रीशियस प्रेगनेंसी है, किसी ने 8-10 साल के बाद कंसीव किया है और ये इंडिकेशन आ रही है, या कॉर्ड के साथ कोई और भी वजह है तो उसकी वजह से सेक्शन हो सकता है। अदरवाइज अकेले बच्चे के गर्दन के गिर्द कॉर्ड होना सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशन नहीं है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन या इन फिजिकल चेकअप के लिए आप मरहम की ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।